वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। भाई बलवंत सिंह जी राजोवाणा जिन्हां नूं बयान सिंह कांड दे विच चार्ज किया गया सी, भाई राजोवाणा साहब ने कोर्ट दे विच कन्फैशन किया सी कि मैं जो किया दुरुस्त किया, मैं किसी वकील की असिस्टेंट नहीं लैनी, मैनू कोई गिला नहीं। और उस तो बाद भाई राजोवाणा साहब नू फांसी की सज़ा कोर्ट वालों सुनाई गई। उन्होंने क्योंकि कन्फैशन किया सी, उन्होंने वो खिलाफ कोई हाई कोर्ट जां किसी होर कोर्ट के कोई उस लोअर कोर्ट के फैसले नू चैलेंज नहीं किया। अल्टीमेटली 212 के उन्होंने एग्जीक्यूट करन दा जिहड़ा हुक्म आ गया, उस वेले दे पंजाब दे विच सरकार अकाली दल दी सी, सारयां ने जतन करके वो एग्जीक्यूशन जिहड़ी उह रुका ली। 212 तों बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नू एक मारसी पटीशन पाई गई सी, जिस मारसी पटीशन दे विच राजोवाणा साहब की फांसी नू उम्र कैद में तब्दील करन दी वो बेनती की गई सी। और उहदे मैं कई बार सोचता भी हाँ भी शायद साडे लई कानून ही वखरा, उते लगातार लम्मा समा कोई फैसला नहीं लिया गया। भाई राजोवाणा साहब वालों एक सुप्रीम कोर्ट के पटीशन पाई गई कि जिहड़ी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी की पटीशन मारसी पटीशन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कोल पई आ, उहदा तुरंत जिहड़ा आ फैसला किया जाए। वो अल्टीमेटली 2 साल तो बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला किया कि सेंट्रल गौरमेंट इत्ते जो फैसला लेना फैसला लै लवे। 12 साल नहीं 17 साल तो लगातार भाई बलवंत सिंह राजोवाणा 8x8 की चक्की दे विच बंद आ। हुण उन्होंने श्री अकाल तख्त साहब नूं चिट्ठियां लिखियां कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं आदेश करो कि मेरी पटीशन जिहड़ी मारसी पटीशन वो वापस ली जाए, तिल तिल करके मरन नालों शहादत पाउणी 100 दर्जे चंगी आ। ये विधवता सी उन्हां दी चिट्ठियां राही। फिर उतों चिट्ठियां तो बाद श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने फिर जतन किया कि DGP नूं बेनती करके भाई राजोवाणा साहब नाल अज मुलाकात होई, और भाई राजोवाणा साहब ने एक चिट्ठी होर भी दित्ती आ। तो मैं समझना ये मुल्क का कहो जिहा कानून आ कि 12-12 साल पटीशन पई नूं हो गए, कोई डिस्पोज ऑफ नहीं हो रही। और अज हक थक के उन्होंने हुण उह कहिंदे वी मैं बहुत लंबा अरसा इत्थे इवें नहीं मरना, इहदे नालों बेहतर आ कि मैनूं फिर फांसी ते लटका दिता जावे। सो असीं अज उन्हां नाल 2 घंटे लगातार मीटिंग करके आए हाँ, कुछ उन्होंने सानू सुझा दिते आ, उन्हां दे संबंध विच हुण बैठ के सारी पड़चोल करांगे। पर मैं देश दे हाकमरानां नूं बेनती करनी चाहुंदा कि जिले हीले बीले खत्म होंदे फिर बंदा होर किथे फरियाद करूगा, फिर फरियाद तां गुरु दर ते रह जांदी आ। ते इहो जिहे जिहड़े गुरु दर दे सेवी जिहड़े 8x8 की चक्की च 17 साल दे रह रहे आ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट दे विच बंदा लंबा अरसा नहीं रहिंदा। पर मैं कह सकदा उन्हां दा हट, उन्हां दा तप, उन्हां दी गुरु प्रति वफादारी इस हद तक आ भी अज भी चढ़दी कला दे विच बैठे आ। और अज उन्हें फिर यह गल कही आ कि मेरी पटीशन वापस लाओ, तो मैं चाहना पई इत्थे लंबा अरसा रहन नालों एक बारी मेरा एक पासे फैसला हो जाए। सो उन्होंने इस संबंध दे विच अकाल तख्त साहब नूं जिहड़ियां चिट्ठियां लिखियां सी, असीं आठ के अज बैठ के मेहता साहब ते सियालका साहब असीं बैठ के उन्होंने 2 घंटा मुलाकात की आ। हुण गांह बैठ के फिर असीं जाके उत्थे फैसला करांगे, एग्जैक्टिव की मीटिंग सद्दांगे तुरंत। अजे मैं हुण हदायत कर देनी आ ते फिर बैठ के जिहड़ा आ, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल दी अज कोर कमेटी की मीटिंग आ, उत्थे भी बैठ के सारा विचार करांगे। सो इन्नी कि अज असीं उहनां नाल बैठ के देखो उन्होंने अपनी ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ
भुख हड़ताल के नाल एक इकला अंदर रहना तो होर कई मैडिकल तौर के उत्ते कई फिर सामना चीज़ों का करना प्रॉब्लम का करना पैंदा। इस संबंध में असीं मीटिंग करके आए।